बहुत बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। श्री वाष ने सेवा समिति के बैनर तले 15-16 को आयोजित होने वाले 2 दिवसीय शरद पूर्णिमा महोत्सव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसे लेकर एक बैठक का मथुरा वृंदावन मार्ग स्थित प्रेम वाटिका की गई। साथ ही उक्त कार्यक्रम से संबंधित नियंत्रण पत्रिका का विमोचन भी किया गया। आयोजक द्वारा कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया गया कि 2 दिवसीय शरद पूर्णिमा महोत्सव के अंतर्गत पहले दिन महाराजा अक्रूज की भव्य शोभा यात्रा वृंदावन के मुख्य बाजारों से गुजरेगी। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष कमल किशोर वाष्णेय होंगे। शोभा यात्रा का उद्घाटन अखिल भारतीय वैष्णव बारह सैनी महासभा के अध्यक्ष सुशील वाष्णेय करेंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि योगेश गुप्ता, सुधीर वाष्णेय, राकेश वाष्णेय आदि होंगे। शोभा यात्रा में विभिन्न झांकियों के साथ मां काली की सवारी एवं बैंडबाजे के साथ अक्रूजी की झांकी निकाली जाएगी। वहीं समाज की मातृशक्ति द्वारा विशेष डांडिया का प्रस्तुतिकरण होगा, जिसमें समस्त वाष्णेय समाज के लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। द्वारा विगत 8 वर्षों से अक्रूज मंदिर में आयोजित शरद पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें भव्य 56 भोग का आयोजन किया जाता है। भव्य आरती होती है। पिछले 1 वर्ष से वृंदावन नगर में शोभा यात्रा का कार्यक्रम किया जा रहा है, जो इस वर्ष 15 अक्टूबर को केजी घाट जानकी वल्लभ मंदिर से चालू होते हुए गोपीनाथ बाजार गंगजी मंदिर चुंगी चौराहा होते हुए स्रोत मुनि बैगंडी होते हुए स्रोत मुनि का समापन किया जाएगा और 16 अक्टूबर को अक्रूज मंदिर में शरद पूर्णिमा महोत्सव 56 भोग का आयोजन किया जाएगा। भारती इस वर्ष भी श्री वाष्णेय सेवा समिति शरद पूर्णिमा महोत्सव बड़े ही धूमधाम से बनाने का प्रयास कर रही है। उसी श्रृंखला में 15-16 अक्टूबर को समस्त वाष्णेय समाज द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा वृंदावन की धरती पर, बाकी बिहारी की धरती पर हम लोग निकालेंगे, जो कि मुख्य मार्गों से होकर गुजरेगी, जिसका एक भव्य और दिव्य रूप महाराजा अक्रूर जी, कृष्ण बलराम और विभिन्न झांकियां बाहर से विभिन्न आकर्षक बैंड का हम लोगों ने प्रबंध किया है, जिससे समाज में एकता का संदेश जाए। उसके जिस कार्यक्रम को है मुख्य अतिथि के रूप में श्री कमल किशोर वाष्णेय जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके उद्घाटन इंजीनियर सुशील वाष्णेय जी और विभिन्न सामाजिक राष्ट्रीय और राजनीतिक पदाधिकारी इसमें कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। वहीं वृंदावन के गणमान्य नागरिकों द्वारा, जो कि निरंतर एक प्रथा रही है, एक भव्य और दिव्य स्वागत सब लोगों ने आज तक किया है, अभिनंदन किया है, उनका भी हम लोग इसमें आभार जताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वृंदावन की यात्रा एक अलौकिक यात्रा आज तक होती हुई आई है और भव्य हुई पिछली बार आप लोगों के प्रयास से। उसी श्रृंखला में 16 अक्टूबर को प्रातः 9 बजे से महाअभिषेक गिरिराज जी का, अक्रूर जी का, कृष्ण बलराम का, उसके उपरांत दोपहर में हम लोग साधु सेवा करते हैं, जिसमें वृंदावन के जितने भी साधु लोग हैं हम उनको बुलाते हैं, साथ ही हम आमंत्रित भी करते हैं। उसके तदुपरांत यमुना पूजन, यमुना शुद्धिकरण के लिए समाज द्वारा यमुना पूजन का आयोजन अक्रूर घाट पर किया जा रहा है और शाम को 5:30 बजे से भव्य दिव्य अलौकिक और एक अनूठा 56 भोग गिरिराज जी का, महाराजा अक्रूर जी का और कृष्ण बलराम का अक्रूर धाम प्रांगण में होगा और साथ ही भव्य महारास और सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रबंध है। उसके उपरांत एक भव्य जैसी केसी घाट में आनंद बाबा जी गंगा जी द्वारा एक भव्य आरती होती है, महाराज जी की हम लोग भव्य आरती की व्यवस्था है, साथ ही मातृशक्ति द्वारा दोनों दिन एक डांडिया की विशेष प्रस्तुति, जो कि आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, डांडिया हमारी मातृशक्ति का एक अनूठा पहलू है, गुजरात में बनाया जाता है, लेकिन इस बार वाष्णेय समाज ने विगत वर्ष भी और इस वर्ष भी भव्य रूप दे रहे हैं। साथ ही इस मंच से और वाष्णेय सेवा समिति परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से हम आमंत्रित करते हैं कि समस्त वाष्णेय समाज इस कार्यक्रम में सहभागिता करे और इसको एकजुटता का संदेश देने का काम करे और आप सभी के प्रयास के लिए, साथ के लिए, प्रेम के लिए, स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। समिति द्वारा एक भव्य आयोजन 15 और 16 अक्टूबर को वृंदावन और अक्रूर धाम मंदिर में होने जा रहा है। 15 तारीख को शोभा यात्रा समाज की श्री अक्रूर जी महाराज की निकाली जाएगी एवं 16 तारीख को अक्रूर मंदिर प्रांगण में विभिन्न कार्यक्रम, 56 भोग, साधु सेवा, गिरिराज जी की शिला पूजन, सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे समाज के द्वारा। समाज के लोगों से यही आह्वान करना चाहूंगा कि सब एकजुट होकर सब कार्यक्रम में एक साथ सब सम्मिलित हों और अक्रूर जी का भव्य कार्यक्रम और भव्य बनाए।
सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर मथुरा में पिछले 2 दशकों से आपकी सेवा में तत्पर है। गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर रूपा अग्रवाल गोपाल द्वारा सभी प्रकार की जांचों की सुविधा, जैसे कि होल बॉडी MRI एवं CT स्कैन लेटेस्ट मशीन द्वारा, सभी प्रकार के 3D 4D अल्ट्रासाउंड लेवल 2 एवं कलर डॉपलर जांच आधुनिक मशीन द्वारा उपलब्ध है। महिलाओं के स्तन संबंधित बीमारी की जांच अत्याधुनिक मैमोग्राफी मशीन द्वारा, हड्डियों की मजबूती की जांच डेक्सा मशीन द्वारा, समस्त प्रकार के एक्सरे एवं OBG मशीन द्वारा जबड़े की हड्डी का एक्सरे, मिर्गी रोगियों के लिए EEG, फेफड़ों की जांच PFT द्वारा, नसों की जांच NCV द्वारा एवं समस्त प्रकार के पैथोलॉजी जांचें और हेल्थ चेकअप पैकेज भी उपलब्ध है। सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में मथुरा की प्रसिद्ध एवं वरिष्ठ डायबिटीज रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष गोपाल द्वारा डायबिटीज, थायराइड एवं मोटापा जैसी बीमारियों का इलाज हुआ आसान। डायबिटीज रोगियों के लिए जांच, रेटिना स्कैन, फुट प्रोफाइल एवं 14 दिनों ग्लूकोज मॉनिटरिंग आदि उपलब्ध है। डायबिटीज रोगियों के लिए इंसुलिन प्रयोग की विधि एवं डाइटिशियन द्वारा खानपान की सलाह, हृदय की जांच ECG, इको, TMT एवं 24 घंटे होल्टर मॉनिटरिंग की सुविधा उपलब्ध है। आर्याना वेलनेस फार्मेसी द्वारा मथुरा शहर में दवाइयों की फ्री होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। अब रोगियों को मथुरा से बाहर जाने की जरूरत नहीं। सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर सभी प्रकार की जांचों एवं डायबिटीज, मोटापा तथा थायराइड बीमारियों का संपूर्ण समाधान केंद्र है। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, राधिका विहार फेज 2, हाईवे प्लाजा के पास, मथुरा। दूरभाष संख्या 8477075000 या 8477076000। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर OT, इमरजेंसी, ICU, PICU, NICU सभी प्रकार की CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।